गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीमका थाना। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट नेचुरल प्रोडक्ट टर्पीन्स एंड इन स्पेशली सिट्रेल जेनियल टर्पीन्स एंड we discuss about various applications of these terpenes. Today we discuss about alpha terpineol. It is a colorless crystalline solid with melting point 35 degree centigrade, smelling of lilac and is an optically active monoterpenoid that occurs naturally in the plus minus and plus minus forms, racemic mixture and D or and L form. It is a tertiary alcohol with one double bond, a cyclic monoterpenoid. The presence of natural racemic mixtures of alpha terpineol was discovered in geranium oils and in Morio muscat wine aroma. There are four isomers of terpineol: alpha, beta, gamma, and terpineol terpene for all. Beta and gamma terpineol differ only by the location of the double bond. Now we discuss in the picture. This is the alpha terpineol and this is the beta terpineol, gamma terpineol and 4T terpineol. इसमें केवल double bond की जो position है उसके आधार पर इसके चार isomer प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरली अकर्स। देन वी टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ टर्पिनियोल। इट फाउंड इन फ्लावर्स सच एज नर्सिसस एंड फ्रिजिया, इन हर्ब्स सच एज मैरिजोरम, ओरिगेनो, रोजमेरी एंड इन लेमन पील ऑयल, केजुपुट ऑयल, पाइन ऑयल एंड पेटिड ग्रेन ऑयल। तो मुख्यतया ये जो हर्ब्स होती हैं उनके फ्लावर में ये पाया जाता है टर्पिनियोल। अब बात करें जैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है। मेनली इसका यूज है, इसकी जो प्लीजेंट स्मेल होती है ऑडर, उसकी वजह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, सोप, परफ्यूम्स, एंटीसेप्टिक एजेंट्स और फ्रेग्रेंस कंपाउंड्स के तौर पे इसको यूज लिया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू फ्लेवर फूड्स एंड बेवरेजेस। टर्पिनियोल स्पेशली द मोस्ट अबंडेंट कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स एज अल्फा टी एंड टी फॉर ऑल। तो इसमें टर्पिनियोल्स का जो जो आइसोमर है, जो मेनली जो यूज लिया जाता है, अल्फा टर्पिनियोल और टी फोर ओन, ये जो दो आइसोमर्स है और मेनली अल्फा टर्पिनियोल, जो हम अल्फा टर्पिनियोल की आज बात कर रहे हैं। एग्जर्टेड ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्शंस ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड आल्सो प्लांट्स। दे आल्सो पजेस वेरियस इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, जो जितने भी नेचुरल जो अकरिंग कंपाउंड्स हैं, स्पेशली अपन टर्पिन्स की बात कर रहे हैं, तो टर्पिन्स का जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में काफ़ी बड़ा योगदान है। तो अब जैसे इसकी मेनली क्या क्या एक्टिविटीज है, तो फर्स्ट जैसे कार्डियोवेस्कुलर एंड एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स। जो हाइपरटेंशन रहता है, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उन उसमें इसका यूज
किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ भी होती है इसमें, एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ होती है, शो करता है। कई सारे पेपर्स हैं जो आप नेट पे प्रेजेंट है, आप इसको देख सकते हैं। एंटीनो सिसेप्टिव एक्टिविटी, एंटी अल्सर एक्टिविटीज़ जो आंतों के अंदर छाले हो जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं, अल्सर के इसमें भी यूज़ लिया जाता है। एंटी कन्वल्सेंट एंड सेलेक्टिव एक्टिविटीज़, एंटी ब्रोंकाइटिस एक्टिविटीज़, स्किन पेनेट्रेशन एनहेंसिंग एक्टिविटी, इनसे इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज़। तो जो आपके सामने यहाँ आप देख रहे हैं कि इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो बायोलॉजिकल अपन इसमें देख सकते हैं, जो आप मेनली जो यहाँ पर मैंने चर्चा की है, डिस्कस किया है। अब बात करें इसकी स्ट्रक्चर एलिसिडेशन की बात करें, तो मैंने पिछली क्लासों में भी आपसे डिस्कस किया था कि कुछ पॉइंट्स है जिस पे इसकी स्ट्रक्चर एलिसिडेशन किया जाता है। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोमेट्री वी कैन डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड। अब सेकेंडली बात करें नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इन अल्फा ट्रिपिनियोल ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट एज ए टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब जब ये टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप है तो इसको कन्फर्म कैसे करेंगे, तो इट इज़ कन्फर्म बाई ल्यूकास टेस्ट एंड IR स्पेक्ट्रा ऑफ अल्फा ट्रिपिनियोल। तो वी सी हियर IR डाटा, CO स्ट्रेचिंग पीक, टू पीक्स इसमें शो हो रही है, 1430 से 1310 सेमी इनवर्स और लगभग 1150। तो ये टर्शियरी एल्कोहल ग्रुप की जो स्पेशियल क्या है करेक्टरिस्टिक पीक्स है जो इसके लिए शो होती है IR स्पेक्ट्रा में। तो ये इसकी प्रेजेंसी को शो कर रहा है कि जो एल्कोहल ग्रुप है एल्कोहलिक वो कौन सी नेचर है, उसकी टर्शियरी नेचर है। ऐसे ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है इसमें, एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या होता है, अगर टर्शियरी एल्किल हैलाइड बनता है तो जस्ट जैसे अपन ने इसमें ल्यूकास रीजन डालते इसमें टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। क्यों, इसमें क्या होता है, कौन सी मैकेनिज्म से एल्किल हैलाइड बनता है, इसमें टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है जो मोर स्टेबल होता है, इसलिए जो टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड इजीली इसमें फॉर्म हो जाता है। तो इन जो आप IR स्पेक्ट्रा और ल्यूकास टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एटम है उसकी नेचर क्या है, टर्शियरी है इसके अंदर इन द अल्फा ट्रिपिनियोल। एंड नाउ वी डिस्कस प्रेजेंसी ऑफ वन डबल बॉन्ड। तो वन डबल बॉन्ड प्रेजेंस है तो इसमें वन मोल ब्रोमीन का क्या होता है, इस पर एडिशन होता है और इसमें डाइब्रोमाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, डाइब्रोमाइड। तो आप यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि ब्रोमीन का एडिशन हुआ और यहाँ पर क्या बन गया, इसका डाई ब्रोमाइड बन जाता है। अब जो चौथी इसमें जो फोर जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं कि इट इज ए मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है तो जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो जब इसका अपन हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो यहाँ पर इसका जो पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन बनता है उसका फॉर्मूला है C10H20। वो किसको फॉलो कर रहा है, जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n उसको फॉलो कर रहा है। अब बात करें जो दूसरी चर्चा करें, ऑन हीटिंग विथ H2SO4 अल्फा ट्रिपिनियोल गिव पेरासाइमिन स्ट्रक्चर। तो जब इसको H2SO4 के कंसनट्रेट H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो इसमें पेरासाइमिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन इसको प्रूव कर रही है कि अल्फा ट्रिपिनियोल के अंदर पेरासाइमिन स्केल्टन होता है। थस अल्फा ट्रिपिनियोल इज पैरा मैंथेन विथ वन डबल बॉन्ड एंड ए टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये जो हमने चर्चा की है ये सारा इसके अंदर ये बात की इसकी स्ट्रक्चर एलिसिडेशन, इसकी स्ट्रक्चर एलिसिडेशन कैसे करते हैं। अब बात करें जैसे इसकी सिंथेसिस की, तो इसकी सिंथेसिस की तीन जो मेनली मेथड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसकी सिंथेसिस प्रोसेस है वो है लिमोनिन से। किससे, लिमोनिन से। देखो यहाँ पर ये लिमोनिन है
और इसमें ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ और यहाँ पर टोलुइन की प्रेजेंस में इसको 4 to 5 आवर के लिए क्या करते हैं, इसको रिफ्लक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, इसमें मार्कोनिकोफ एडिशन होता है इस डबल बॉन्ड पे और ये बनता है एडिशन टू ट्राईफ्लोरो एसिटेट इंटरमीडिएट। ट्राईफ्लोरो एसिटेट इंटरमीडिएट बन गया और ये NaOH की प्रेजेंस में और इसको वही आगे क्या करेंगे 2 आवर्स के लिए रिफ्लक्स करेंगे मेथेनॉल या वाटर के प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है, इसमें अल्फा ट्रिपिनियोल में बदल जाता है। तो ये जो इजीली प्रोसेस है जिसमें अल्फा ट्रिपिनियोल का सिंथेसिस किया जा सकता है। अब जो दूसरी प्रोसेस है सिंथेसिस फ्रॉम पैराटोलोइक एसिड, ये परकिन जूनियर 1904 और फिशर 1908 1904 में ये रिएक्शन सजेस्ट की थी, ये सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको सजेस्ट किया गया था। अब जैसे टोलुइक एसिड कैसे बनता है, ये क्या है, इसमें जो इसका 10% NaOH के साथ गर्म करते हैं इसमें, तो ये टोलुइक एसिड बनता है या नाइट्राइल ग्रुप कन्वर्ट किसमें हो जाता है, एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो दूसरी मेथड है, या टोलुइक एसिड बन गया, अब टोलुइक एसिड से आगे रिएक्शन कराते हैं। तो पैराटोलुइक एसिड का H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, सल्फोनेशन होगा। तो सल्फोनेशन में कौन सी पोजीशन पे होगा, इसकी मेथिल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पे होगा, तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा पैरामेथिल 3-सल्फोबेंजोइक एसिड। अब इसका KOH की प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में इसका फ्यूजन कराते हैं इसमें, तो यहाँ से क्या होगा, SO3H ग्रुप हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो 3-hydroxy-4-methyl-benzoic एसिड बन जाता है। और फिर इसका क्या करते हैं, सोडियम और एथेनॉल के प्रेजेंस में रिडक्शन, इसको कौन सा रिडक्शन है, ये वो ब्लैंक रिडक्शन, इसका रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर किसका, हाइड्रोजन का, जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। तो यहाँ पर 3-hydroxy-4-methyl-cyclohexane कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे क्या कराएंगे, इसमें HBr से रिएक्शन कराएंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH की जगह क्या हो जाएगा, ब्रोमीन का एंट्री हो जाएगी, ब्रोमाइड की, तो 3-bromo-4-methyl-cyclohexane कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से HBr का क्या हो जाएगा, HBr निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ये हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, पिरिडीन एक H प्लस को लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे ही ब्रोमाइड का यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से रिमूवल हो जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो हमारे पास बन गया 4-methyl-cyclohex-3-ene-carboxylic acid। तो ये हमारे पास ये बन के आ गया। अब आगे क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे एथेनॉल और HCl की प्रेजेंस में और 2-methyl-magnesium-bromide ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। इसमें यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे जो कार्बोनिल समूह है इसमें कार्बोक्सी ग्रुप का, उस पर इसका एडिशन होगा, 2 mole का एडिशन होगा और उसके साथ साथ क्या बनता जाएगा, OH का फॉर्मेशन, यहाँ OH हो जाएगा और ये अल्फा ट्रिपिनियोल का एडिशन, अल्फा ट्रिपिनियोल का सिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया और ये सिंपली इसमें मैकेनिज्म्स हैं जो आप अच्छे से आप इसमें दिख रहा है, लास्ट प्रोडक्ट अपना बना अल्फा ट्रिपिनियोल। तो ये है इसमें सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड है डील्स एल्डर रिएक्शन के द्वारा सिंथेसिस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आइसोप्रीन यूनिट है एक और ब्यूट 3-ene-2-on। तो यहाँ पर देखो कि ये कौन सा है, 4+2 एडिशन होगा इसमें, यहाँ से एडिशन होगा और ये जो ये पार्ट है जो एल्किन पार्ट, यहाँ से ये जब यहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो ये वाली यूनिट कहाँ आके जुड़ गई, देखो यहाँ पर, ये देखो आप, यहाँ ये जुड़ जाती है। तो ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे 1-4-methyl-cyclohex-3-enyl और इथेनॉल, इसका सिंथेसिस ये बना इसमें कंपाउंड प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। अब आगे क्या है कि इसका ग्रिग्नार रिएजेंट का एडिशन करवाते हैं इस पर, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पर, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होगा तो मेथिल आएगा और ये O- और Mg
प्लस एम जी बी आर यहाँ के जुड़ जाएगा और इसका एसिड की प्रेजेंस में यहाँ क्या हो जाएगा, ओ एच ग्रुप आ जाएगा और एम जी बी आर यहाँ से निकल जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा क्या बन जाएगा, एल्फा ट्रिपिनियोल बन जाता है। तो आज आपसे मैंने डिस्कस किया इसके सोर्सेज क्या होते हैं एल्फा ट्रिपिनियोल के और इसका यूजेज क्या है। तो यूजेज आपने देखा इसका बहुत लार्ज एरिया में इसका यूज हो रहा है। फिर इसकी स्ट्रक्चरल एलिसिटेशन की बात की और फिर इसके सिंथेसिस की जो तीन मेथड, पहला टोलुइन से और टोलुइक एसिड से और उससे पहले बात की थी अपन ने लिमोनिन से और तीसरा था डील सेल्डर मेथड के द्वारा हमने इसका सिंथेसिस पढ़ा। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा आया होगा। धन्यवाद।